नमस्कार दोस्तों, आज आपकी तरफ मैं पहले वर्चुअली रजनीशपुरम को बहुत बार देखा है, आज मुझे मौका मिला और आज मैं आया हूँ रजनीशपुरम को रियल टाइम में देखने, और आप मेरे साथ वर्चुअली फिर से रजनीशपुरम का पूरा दर्शन करेंगे, देखेंगे क्या बन रहा, क्या चल रहा है रजनीशपुरम में, नया अपडेट लेंगे क्या होने जा रहा है, आश्रम की रूपरेखा क्या हो रही है। तो चलिए आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। ये बाहर का पैसेज हुए है और आसपास देख सकते हो पूरे खेत खलियान है, खाली है, सिर्फ हम ही हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं बाहर बिल्डिंग है। आइए दोस्तों, आइए। आयरन गेट, द टाइगर गेट क्या बोला जाता है इसको, प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। हाँ, तो ये हमारा रजनीशपुरम का एंट्री गेट है, बड़ा सा आयरन गेट। यहाँ के अंदर आ गए तो इसके बाद ऊपर जाओगे सीधा, मतलब सातवें द्वार में सब समाधि की। तो बाकी ये हमारे रजनीशपुरम का भव्य आश्रम यहाँ से शुरू होता है, और पहले आते ही यहाँ हमारा ये पूरा भवन जो दिख रहा है, बड़ा भवन है, इधर साइड से आप देख सकते हैं। तो इस भवन का पहले नीचे आठ कमरे और ये एक बड़ा ऑफिस एरिया है, भी होगी और यहाँ रिसेप्शन भी होगी, सारे ऑफिस के काम जो भी कॉन्टैक्ट होंगे यहीं होंगे, और थेरेपी सेंटर भी यहीं होगी इस साइड में। और बाहर भी एरिया थोड़ा आप देख ही लीजिए, यहाँ आगे जाके यहाँ पे बैठने की जगह भी होगी, सब तरफ होगी। और पीछे भी है थोड़ा घूमने के लिए बनाया जाएगा पूरा सुंदर। यहाँ का आप देख सकते हो ये काम हो चुका है, अब सिर्फ उसमें फाइबर पर और पेंटिंग फिनिशिंग काम मतलब आती है, नीचे टाइल खुलने बाकी है। ये कमरा है, कफर बैक टॉयलेट बाथ में अटैच है सब कमरों में। ये ऐसे हमारे पास आठ कमरे हैं यहाँ इस फ्लोर में, ठीक है। और ये बाथ ये एरिया भी दे सकते, ये एली कितना बड़ा है, हर कमरे के बाहर एली होगी, यहाँ बैठने के लिए जगह होगा, कुर्सी रखे होंगे और सबके लिए सेपरेट जगह होगा, फैन भी होगा। तो कमरे के बाहर हर व्यक्ति के लिए और जो आएगा उसके लिए बैठने की जगह, और अंदर तक कमरा बेड जो भी सुविधाएं यहाँ से मिलेगी वो होगी। ऊपर भी देख ही लो, हम आ रहे हैं ये पहली मंजिल में, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। ये आप काली मंदिर की तरफ तेजी से यात्रा करने जा रहे हैं मेरे साथ। यहाँ भी बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं, यहाँ देख सकते हो। पहले तो भाई साहब को देख सकते हो, भाई साहब के बाद इस हॉल को देख सकते हो, बड़ा सा यहाँ डॉर्मेटरी बन रहा है ना, दुनिया रुकने वाले मेरे सन्यासी हो गई है, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा। ओके, मेन्स डॉक्टर कह सकते हैं इसको, पुरुष सन्यासी जो भी आएंगे वो यहाँ सुनेंगे, जो ध्यान के प्रेमी। एक मिनट मौलिक यहाँ से देख लेते। और हाँ, यहाँ भी आपको बहुत सुंदर, यहाँ बाहर हर कमरे के बाहर ये घूमने के लिए, यहाँ अभी जो बनेगा यह फेंस होगी, पर यहाँ आप पूरा चल सकते हो, यहाँ आश्रम के आगे का इलाका है ना। और हो सकता है आपकी कृपा से आश्रम जितना बढ़ता चला जाए, ये पूरा जो आपको खाली दिख रहा है वो भी आश्रम का इलाका हो जाए। तो ऐसी लेडीज के लिए यहाँ भी लेडीज सन्यासी जो भी आएंगी उनके लिए रहने की व्यवस्था है, और यहाँ भी दो बड़े कमरे हैं, और देख सकते हो कितना बड़ा स्पेस है कमरों के बाहर भी, आराम से घूमना आना बैठना बहुत जगह होगी। यहाँ इसमें लगेगा नहीं कि आप इसमें स्टॉक हो या बहुत सारे लोग, नहीं क्रैम्प नहीं लगेगा, कभी क्रैम्प लगेगा तो फिर कंस्ट्रक्शन शुरू और बनेंगे बिल्डिंग पर खुला खुला रहेगा। और यहाँ से थोड़ा व्यू देख सकते हो, ये डॉर्मेटरी एरिया है ना, यहाँ पे सामने वाले पे इसमें ये बाथरूम है और अंदर डॉर्मेटरी कमरे, अभी दिखाएंगे उसका दर्शन सीधा अंदर। चलो
हमारा जो सेलिब्रेशन हॉल उसका ये पीछे की दीवार है वो भी देख सकते हो, इसका एंट्री गेट आगे है। और यहाँ आप देख सकते हो जैसे और काम तो चलते ही रहेगा, कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा, चलते ही रहेगा हमारा परिवार। हमारे डॉर्मिटरी सेक्शन की और जो ग्राउंड डॉर्मिटरी है हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, ये पॉक पैनल की चीज का बना हुआ बहुत अच्छा। अभी भी हम अंदर रुके थे, थोड़ी सी भी गर्मी का मुझे एहसास ही नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी सी गर्मी जैसे बाहर की थोड़ी होती है, यहाँ अभी ऐसे तो माहौल ठीक ही है पर अंदर बहुत मस्त हो रखा है। तो ये देख सकते हो घोड़े के गेट दरवाजे हैं, तो ये अंदर है हमारा डॉर्मिटरी, यहाँ देख सकते हो यहाँ बेड्स लगे हैं, है ना, बेड्स भी बहुत अच्छे प्रकार के बनाए हुए हैं, सागवान के बेड बनाए हुए हैं, और यहाँ से रखने के लिए जो यहाँ रहेंगे उनके लिए छोटी सी कवर जिसमें वो अपने सामान रख सकते हो वो भी है। और ये पूरा हॉल देख सकते हो कितना इसमें बेड आएंगे, 15-16-20 बेड तो आराम से इसमें आ जा सकते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं पर जितना हमें जरूरी होगा। ये हमारे प्रिय ओशो, इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना, क्योंकि रजनीशपुरम में रजनीश इनका ही है और हमारे दूसरे सन्यासी भी वो भी रजनीश है, तो कॉपीराइट तो नहीं लगेगा इस बात पर। और ये जाली कितना अच्छा जाली है, तो मच्छर की प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी हम गारंटी लेते, ले अगर हो गई तो फिर हाथ बनाया परमात्मा ने मारने के लिए मच्छर को। तो ये हमारी व्यवस्था है डॉर्मिटरी में, बहुत अच्छा लगेगा आपको, गर्मी नहीं होगी और आज जो होता जाएगा वो तो बताएंगे, आज के लिए कैसी व्यवस्था है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ दोस्तों यहाँ बाथरूम भी है, बाथरूम अलग है और उधर देखो बाथरूम है और यहाँ भी है, वहां पर मुझे लगता कोई इंसान होगा, है ना। और थोड़ा यहाँ भी देख लो, हाँ ये पीछे का एरिया भी घूमने लायक एरिया है, इधर जगह ऊपर टैंकी पड़ी है और यहाँ पीछे का एरिया हो गया, यहाँ भी घूम सकते हो आराम से। तो किचन पे जाते हैं, पूरे लाल पत्थर ये बनाए गए हैं, लाल पत्थर की पूरी फ्लोरिंग की गई है, बहुत अच्छा लगेगा जब ये पूरा इसमें इसका अच्छे से इसका शाइनिंग आ जाएगी, जैसे यहाँ सामने किया हुआ है पूरा। देखो रहने के लिए घूमने के लिए टहलने के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिक वाइब आता है इससे। और ये हम जा रहे किचन एरिया की तरफ, किचन एरिया में ये पूरा हमारा किचन का बिल्डिंग है, ओवन है और यहाँ अभी कुछ खाना बन रहा है हम सबके लिए जो आश्रम में आए हैं। तो ये सामान रखने की जगह है, बहुत बड़ा बड़ा बना हुआ है इसमें सेल्स रखने की जगह। और हमारे ये सन्यासी भाई हैं योगेश बेन, बहुत पहले में इसमें वो दाल और चावल लग रहा है, तक वीडियो ये आज आराम में हंडी का दाल बना रहे हैं हंडी के अंदर, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। सन्यासी दाल, सन्यासी पुलाव, सन्यासी चावल, और इसमें टेस्ट आएगा 5 स्टार से भी बढ़िया। तो चलो नीचे देख सकते हो वो एक जो बात कर रहा था कि लाल तो बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है देखने में भी, ऑर्गेनिक फील आती है। और बाहर बैठने की जगह आगे बनी है, यहाँ से जो व्यक्ति होंगे वो यहाँ से खाना लेंगे अपना, है ना, इस एरिया से। और यहाँ पे और बनेगा जहाँ से सेल्फ सर्विस होगी, जहाँ आप बर्तन धो सकते हो, हाथ कर धो सकते हो, है ना। और ये एरिया पूरा डाइनिंग का एरिया है, पौधे लगे हैं, कितना सुंदर एरिया है। स्वामी जी भी इधर ही बैठे, हाँ हमारे प्यारे स्वामी जी यहाँ बैठे, प्यारे हैं कि दूसरे हाँ, और ये रजनीश जी
इन्हीं के नाम पे बन रहा है रजनीशपुरम। हम उनके नाम पे, इनके नाम पे बना रहे, आज ये खुलासा हो रहा है ना, इनके नाम पे बनाया जा रहा है, हमें इन्हीं रजनीश का पता है। चलो धन्यवाद। मेडिटेशन हॉल, मेडिटेशन हॉल में सेलिब्रेशन हॉल होगा। हाँ हाँ, रात सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेशन और मेडिटेशन दोनों। हाँ, दोनों तीनों चारों जो भी अच्छे। बाल पे कुछ आ गया, देखो वो बालों पे इधर। अच्छा, ये अब यहाँ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कुछ भी लग सकता है। हाँ, अभी यहाँ शाइनिंग हो रही है, नए एरिए पे देख सकते हो अब क्या अभी सिचुएशन है। बस अभी खाना खाया जा रहा है और यहाँ आगे जो भी प्रोग्राम कराएंगे या जो रिजर्वेशन होगी, जो संचालक होंगे वो वहाँ बैठ के वो लीड करेंगे। और यहाँ लोग कितने, 400-500 लोग जा सकते हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हो ये एरिया, वहाँ जहाँ तक आपको पेड़ दिख रहा है, जहाँ तक आपको पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक हमारा आश्रम है। तो अभी तो बहुत कुछ बनना बाकी है, ये जितना अभी आश्रम बना है वो तो अभी मतलब अभी 20% हुआ है, 15-20% के एरिया में बना है, बाकी एरिया पूरा खाली है। 80% जब इसमें बिल्डिंग आ जाएगी ना तब प्रकट होगा इसकी उपजाऊ भूमि है, तब आपको पता चलेगा कितना बड़ा है। 80% अभी बाकी है। चलो वो जगह भी ऐसे घूम के देख लेते हैं। देख सकते हो आपके सामने एक ईगल बैठा हुआ है। हाँ, ये ईगल भी आश्रम का ही सन्यासी है, बिना माला पहने हुए आया है। और तो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में रजनीशपुरम अच्छे से पैदा हो रहा है। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो बन रहा है, यहाँ तक अभी पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा जब हमारा इनॉग्रेशन होगा। यहाँ तक एक प्लेटफॉर्म बनेगा और आगे वहाँ तक है भाई साहब। चलो चल के ही देख लेते, पूरी जगह ही दिखा दे, जहाँ तक दिखा सकते हम आपको दिखाएंगे। चलो, जब तक आप वहाँ जा रहे हो आपको बोर लग रहा है तो आप खुद ही जो कह के खुद उस पर हंस लेना। ऐसा नहीं कि हम आपको ये टूर करा रहे तो हमें आपको हंसाने की ज़रूरत है, आप भी खुद हंस सकते हो। और अच्छा जो मिले लगे तो कमेंट में लिख भी सकते हो, हम भी हंस लेंगे बाद में। तो आसपास की खेतों में देख सकते हो गेहूँ बहुत अच्छे से लहला रहा है, इसकी भी कटिंग होने का वक्त हो रहा है ना। अगर आश्रम में है आसपास फैल जाए तो और अच्छा होगा, ये गेहूँ सब हमारा ही होगा। तो सोचिए आके देखिए, यहाँ आप देख सकते हो कि एक बहुत अच्छी चीज़ जो शहरों में नहीं देखने को मिलती, यहाँ तितलियाँ हैं। ये और ये पूरी ऑर्गेनिक तितलियाँ है, प्लास्टिक वाली तितलियाँ नहीं, पूरी ऑर्गेनिक तितलियाँ। हाँ, ये ऑर्गेनिक तितलियाँ आपको ऑर्गेनिक फील देगी। एक ऐसे तो टीवी से ही देखते हैं आजकल शहरों के लोग तितलियों को भी, टीवी से ही देखते हैं, ईगल्स भी वो जो होते हैं चील उनको भी टीवी से देखते हैं, पर आपको यहाँ रियल टाइम में देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक। ये देखो फिर एक निकला, यहाँ सिर्फ हंस नहीं, यहाँ चील भी मिलेंगे, कौवे भी मिलेंगे। कौवे नहीं आए, हंस अकेला कभी बार उड़ जाएगा, चील अकेला वैसा भी हो सकता है। तो वह जैसे जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व तो होते हैं इस दुनिया में, वैसे अलग अलग प्रकार की चिड़िया है, तो उनका सबका स्वागत होगा इस आश्रम में रजनीशपुरम में। आगे थोड़ा गीला है तो हम देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। ऐसे अभी यहाँ पे उड़द दाल की अभी यह डाला हुआ है, एक दो महीने में देखते चला जा सकता है कि नहीं। हाँ, देखते हैं, यहाँ तो थोड़ी ठीक है पर आगे थोड़ा फिर जूता गंदा करने के चांस है जो हमने पहले कर लिया। चल पाओगे कि नहीं, आप जाके देख लो। ठीक है, तो अब ये लास्ट तक आ गए, यहाँ से ऐसे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये है टेक्नोलॉजी का फायदा है, जूम करके देख लीजिए कितना बना। सामने जो तार बंदे वहाँ तक है आश्रम की सरहद, वहाँ तक पूरा है। चलो वहाँ इधर देख लीजिए, इधर आइए। ये पूरा पूरा आश्रम का इलाका है, रजनीशपुरम का इलाका है। आश्रम तो कोई एक दो दिन की बात नहीं है, सालों साल सदियों तक चले ऐसी हमारी इच्छा है, वही चाह है, हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है, ताकि ये जो आश्रम बन रहा है इससे बहुत लोगों के दिल को एक
घर मिले, अच्छा घर जहाँ वो सुकून से रह सके, जहाँ उसको समझा जाए, जहाँ उनके संकुचित मन खुले हो सके। तो अभी के लिए इतना ही, आगे आगे आपको थोड़ा आगे जाके दिखाएंगे जी। तो आपने जैसे उधर की तरफ देखा, तो इस साइड से भी आप आश्रम को देखिए, सेलिब्रेशन हॉल इधर है, उधर किचन का एरिया है, तार जाली दोनों साइड लगी हुई है। और आप देख सकते हो सबसे अच्छी बात अभी से आश्रम की है कि पेड़ पहले से लगे हुए हैं, ये 15-20 साल पुराने पेड़ इस आश्रम की सुंदरता को और निखारेंगे और बढ़ाएंगे जब आप यहाँ आओगे गर्मी के महीने में, किसी भी महीने पर। तो इस आश्रम के पेड़ आपका स्वागत करेंगे, आपको छाव देंगे, और गर्मी के सीज़न में आएंगे तो अमियाँ देंगे, मैंगो फेस्टिवल का भी इन्जॉय कर सकते हो जब आप यहाँ आओगे। जैसे पुणे आश्रम में है ना मानसून फेस्टिवल, यहाँ मैंगो फेस्टिवल वहाँ करेगा। तो बाकी ये है हमारा आश्रम का अब तो अपडेट जो बन रहा है ना, अप्रैल 15 में आज ये वीडियो बन रहा है। तो इतना आगे जितना होगा आगे अपडेट होगा, हमारे योगेश प्रेम और नीलेश भाई साहब का जो पेज है वहाँ से आपको दिखता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रजनीश प्रोग्राम में, जब मिलेंगे।